जब से आपको देखकर ये जरूर समझ आया होगा कि जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम समझते हैं, सुनते हैं, जिन चीजों को भी टेस्ट लेते हैं, इन सब चीजों का आभास, इन सब चीजों का सेंस हमें हमारा दिमाग करता है। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमारा दिमाग भी मैन्युपुलेट हो जाता है या फिर इल्यूजन्स में खो जाता है। यानी साफ शब्दों में कहें तो जो कुछ भी हम देखते हैं शायद हर बार वो सच नहीं होता। और यही वजह है कि शेयर बाजार के इस मार्केट के पार्टिसिपेंट्स भी बहुत बार ऐसा फील करते होंगे कि जिस चीज़ को लगातार फोकस कर रहे हैं, जिस स्टॉक पर लगातार वो नज़रें बनाए हुए हैं, उस पर फोकस भी करते रहें, लेकिन फिर भी क्यों वो स्टॉक उनसे मिस हो जाता है। क्या हमारे ब्रेन की लिमिटेशंस हैं जिन्हें अगर हम एक बार समझने की कोशिश करें तो शायद हमारी एफिशिएंसी एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट बढ़ सकती है। जान लेते हैं, हमारे साथ हमारे शो के एक्सपर्ट सुनील मिगलानी बने हुए हैं और अगले आधे घंटे तक तमाम चर्चा करेंगे हम व्हाट इज द रोल ऑफ आवर ब्रेन और क्या होती है लिमिटेशंस। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील। आई एम वेरी श्योर व्यूवर्स ने ये जो अभी एक छोटी सी क्लिप देखी है इससे एक चीज समझ में आ रही होगी कि हम आज डिस्कस क्या करने वाले हैं। क्या ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है या नहीं, पहले तो ये समझ लेते हैं, क्योंकि शेयर बाजार हम कहते हैं कि दिमाग का खेल है। ये दिमाग, ये ह्यूमन ब्रेन, क्या रोल होता है इस ह्यूमन ब्रेन का? सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में काम करने वाला कोई भी आदमी या इस तरह का काम करने वाला कोई भी आदमी, आईटी प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, उनका सबसे बड़ा जो असेट है, सबसे बड़ी जो चीज काम करती है वो है दिमाग। क्योंकि हमें अपनी बॉडी से काम नहीं करना। अब एक कोई भी एथलीट है, वो भाग रहा है, तो उसको जब वो भागना शुरू करेगा उसके बाद उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सारा काम उसकी बॉडी ने करना है। राइट। लेकिन हमको एज अ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स, हमें मार्केट शुरू होने से लेकर मार्केट बंद होने तक और मार्केट बंद होने के बाद मार्केट शुरू होने तक भी हर काम दिमाग से करना है। और हमारा दिमाग हर चीज को कलेक्ट करता है बाहर से और एक एनालिसिस करता है और उस एनालिसिस के ऊपर हम काम करते हैं। राइट। यानी आप पहले फोकस लगाते हैं, ध्यान देते हैं, मेमोराइज करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। अब जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन है, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर हर चीज की लिमिटेशंस है। राइट। सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, अनलिमिटेड नहीं है कोई भी चीज, समझिए। राइट। इनफैक्ट अटेंशन जिसे कहा जाता है, अटेंशन, ह्यूमन अटेंशन, वो भी एक लिमिटेड सोर्स होता है, वो भी पूरा नहीं होता है। बिल्कुल। हर चीज की, हमारा कान है जो उनकी सुनने की शक्ति एक लिमिट है। हम एक खास फ्रिक्वेंसी से ऊपर की आवाज नहीं सुन सकते, एक खास फ्रिक्वेंसी से नीचे की आवाज नहीं सुन सकते। यानी कि हमारे कानों की जो पावर है वो एक लिमिट है। हम उससे नीचे की भी नहीं सुन सकते, उससे ऊपर की भी नहीं सुन सकते। हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सौर मंडल में 20 आवाजें गूंज रही हैं, वो हमें सुनाई क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि हमारे कान की फ्रिक्वेंसी उनको पकड़ नहीं पाती है। राइट। हमारा जो ये रेडियो है, ये खास तरह की फ्रिक्वेंसी पकड़ पाता है, उसके बीच की, ना उसके ऊपर की पकड़ पाता है ना उसके नीचे की। राइट। इसी तरह हमारी आंखों की लिमिटेशन है कलर्स को पहचानने की। इसी तरह के हमारे सूंघने की लिमिटेशंस है, हमारी हर चीज की लिमिटेशन है, हमारी बॉडी टेम्परेचर की लिमिट है। 96 डिग्री के नीचे हमारी मौत हो जाएगी और 110 के ऊपर मौत हो जाएगी। 14 डिग्री के बीच की जिंदगी है आदमी की। राइट। और आदमी बोलता है, जानते हो मैं कौन हूं? हर बार उसको इतना अहंकार होता है, 14 डिग्री की जिंदगी है हमारी सिर्फ उसके बीच में जीते हैं हम। कुछ पैरामीटर्स हमारे लिए फिक्स के, हमारे सारे ऑर्गन्स के लिए, हर चीज एक लिमिट है हमारी हर चीज की। ना तो हम उससे ऊपर जा सकते हैं, ना उससे हम नीचे आ सकते हैं। अब हमारे दिमाग की भी लिमिटेशन है। हम कुछ खास तरह की चीजों को सोच सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग की खास तरह की वर्किंग है। स्टॉक मार्केट में काम करने वाला कोई भी आदमी या इस तरह का कोई भी काम करने वाला आदमी जिसमें दिमाग का पूरा रोल हो, मुझे ऐसा लगता है कि उसको दिमाग की फंक्शनैलिटी के बारे में जानना चाहिए। राइट। हम बहुत टेक्निकल या बहुत साइंटिफिक चीजों में नहीं जा रहे, पर हम मोटी मोटी यहाँ कोशिश करेंगे कि कैसे ब्रेन वर्क करता है। और एक्चुअली हम एक ऐसा डिस्कस करने वाला टॉपिक आज जो आपको आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने में कारगर साबित जरूर होगा। चलिए शुरुआत करते हैं फंक्शनैलिटी ऑफ ब्रेन। उसकी फंक्शनैलिटी में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हम जब भी किसी चीज के तरफ डिसीजन लेते हैं,
कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट काम कर रहा होता है जो फ्रंटल कोटेक्स कहा जाता है, प्री फ्रंटल कोटेक्स, राइट। यानी टू गिव मोर क्लैरिटी टू व्यूअर्स की कॉन्शियस डिसीजन यानी जानबूझकर जो हम काम करते हैं, सपोज कीजिए अगर हम सप्लाई स्टॉक पर अगर हम कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहते हैं कि मैं इसको खरीदता हूं, तो यहाँ एक टेक्निकल टर्म है, हमारे ब्रेन के जो दो पार्ट्स हैं उसमें से पहला पार्ट प्री फ्रंटल कोर्टेक्स आप बोल रहे हो वो एक्टिव होता है, वो एक्टिव होता है, वो आपको कॉन्शियसली डिसीजन लेने में हेल्प करता है। दूसरा पार्ट होता है सेंसरी कोर्टेक्स, वो पार्ट जो है वो तब एक्टिवेट होता है जब हमारा फोकस डाइवर्ट होता है किसी चीज को लेकर, ठीक है। जैसे आपका फोन का रिंग बजा, किसी का कोई चीज गिरा, आप कोई काम कर रहे होते हैं, एकदम से आपका फोकस हटता है वहां से और आपका ध्यान उस तरफ चला जाता है जहां पे नहीं जाना चाहिए एक्चुअली। यानी अगर हम एक सिनेरियो ऐसा ले लें सुनील कि अगर हम एक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं बैठ के और हम कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं, जानबूझकर डिसीजन लेते हैं कि सामने दरवाजे की तरफ हम देखते हैं, ये हमारा जानबूझकर डिसीजन है जिसमें हमारा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स काम कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन उसी वक्त काम करते उस दौरान काम करने के बीच में अगर फोन रिंग होता है जहां मैं जानबूझकर नहीं सोच रही हूं लेकिन मेरा ध्यान एकदम चला जाता है, तो ये दूसरा सेंसरी कोर्टेक्स काम करता है, बिल्कुल सेंसरी कोर्टेक्स है ये। ओके, उसके अंदर क्या है कि हमको स्टॉक मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट काम करते हैं हमें उस दूसरे पार्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है जहां पे हमारा फोकस डाइवर्ट होता है। ये दूसरा जो पार्ट सेंसरी कोर्टेक्स की आप बात करें ये है मेन जड़, ये है मेन जड़ एक्चुअली कि जिसके अंदर स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट फंसते हैं एक्चुअली। कॉन्शियसली जब आप डिसीजन ले रहे हैं किसी चीज को देख के तो मुझे मालूम है मेरे को स्टॉक वॉच करने हैं, मुझे चार्ट देखना है, मुझे ये करना है, लेकिन आपका फोकस डाइवर्ट होता है उसके अंदर जो पार्ट काम करता है और उसको आप रोक नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये, अगर आप ये चाहेंगे कि मैं उसको कंट्रोल कर लूं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी बताएंगे हम आगे इस एपिसोड्स के अंदर कि आप कैसे उस पे काम कर सकते हैं। यानी एक सिनेरियो अगर हम मार्केट से यहाँ रिलेट कर दें, हम बहुत फेमस एक कहावत है, बहुत फेमस कोट है, हम इसे एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। हम कहते हैं कि यू फाइंड समथिंग, द ग्रेटेस्ट पेन इन दिस मार्केट इज दैट यू फाइंड समथिंग यू कुड नॉट एक्ट इट एंड इट हैपेंड। आप एक स्टॉक को ट्रैक कर रहे थे, आप देखते रहे, नजर बनाते रहे, नजर बनाते रहे, लेकिन इस बीच क्या हुआ कि देखा कि वो लेवल से इतना ऊपर चला गया कि आप उसे खरीद नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, हम बात कर चुके हैं इस बारे में कि आप एक स्टॉक को वॉच करते हैं, एक स्टॉक की तरफ ध्यान रखते हैं, मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, आपने देखा कि हाँ मुझे ये सेट स्टॉक लेना है, मुझे मेरा ध्यान है, मुझे लेना है, और लेवल भी ध्यान रखते हैं, लेवल भी ध्यान रखते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन जब तक आप उसका ध्यान रखते हैं तब तक तो वो चलता नहीं है। अचानक से एक दिन वो खुद चलना शुरू हो जाता है लेकिन उसी समय आपका ध्यान नहीं होता उस पर। ये सिचुएशन ना बहुत सारे व्यूअर्स के साथ होती है, बहुत सारे नहीं सबके साथ होती है, ये सबके साथ होती है एक्चुअली। वो ध्यान जब तक रखते रहते हैं तब तक तो कुछ होता नहीं उसमें, और जैसे उनका ध्यान हटता है वैसे ही उस स्टॉक के अंदर चाल आ जाती है, और जब उनको ये समझ में आता है कि हाँ ये चाल चल चुका है तब तक वो 20-30-40% निकल चुका होता है। फिर वो वेट करते हैं कि अभी थोड़ी देर देखते हैं शायद कोई डिप आएगा तो लेंगे, लेकिन वो डिप नहीं आता, फिर थोड़ा आएगा डिप, वो फिर इतना ऊपर चला जाता है कि वो पेन वो टीस जो है उनको उस रेट पे खरीदवाती है जहां पे एक्चुअली नहीं खरीदना चाहिए। राइट, ये एक सिनेरियो है जो बहुत होता है, तो इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। इनफैक्ट सुनील, और सिंपल टर्म्स में भी अगर, क्योंकि वी आर टॉकिंग, वी आर डिस्कसिंग अ वेरी ह्यूज एंड अ ब्रॉड टॉपिक, स्टॉक मार्केट के अलावा भी इसकी बहुत दायरे हैं, बहुत डायमेंशंस है, कि अगर हम घर आम जिंदगी में, हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल समबडी इज कुकिंग, अगर वो ध्यान रखते हैं कि मुझे जब एक सीटी बज जानी है या एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मुझे फ्लेम बंद कर देनी है, वो ध्यान पूरा रखते रहेंगे, लेकिन जब एक्चुअली वक्त आएगा तो शायद, हम नहीं कह रहे कि हमेशा हो जाएगा, शायद आपका ध्यान ही हट जाएगी, आपने फ्लेम बंद करनी थी। बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्रेन की फंक्शनैलिटी, ब्रेन की फंक्शनैलिटी क्या है पहले उसको समझे। ब्रेन जब काम करता है वो दो तरीके से काम करता है, एक तो आपको ये पता होता है कि ये काम मैं नहीं जानता हूं करना, तो उस समय आपका ब्रेन पूरी तरह कॉन्शियस होता है। मान लीजिए आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, आपको बिल्कुल, आप किसी गाड़ी चलाने वाले को देखिए जो नया सीख रहा है, वो बिल्कुल एक्टिव होता है एकदम, उसकी सारी जो आंखें हैं वो बिल्कुल रोड पे लगी होती हैं। राइट, उसको सिखाने वाला बोलता भी है कि साइड मिरर भी देख लीजिए, ऊपर भी देख लीजिए, वो बोलता है मेरे को रोड पे देखना है। हाँ। क्योंकि वो बिल्कुल कॉन्शियस, उसे पता है मुझे नहीं आता। अब वही आदमी 2-4-6 महीने में गाड़ी चलाना सीख जाता है, उसका दिमाग ये मान लेता है कि हाँ इसको गाड़ी चलाना आ गया, प्रैक्टिस से आ गया। उसके बाद जब वो गाड़ी चलाता है, उसके बाद जब वो गाड़ी चलाता है तो गाड़ी में बैठता है, ऑन करता है इग्निशन, और उसके बाद हो सकता है कि वो कुछ और भी सोचने लग जाए लेकिन गाड़ी अपने आप चलती जाती है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, उसके लिए ब्रेन ऑटो ड्राइव का एक बटन दबा देता है और गाड़ी अपने आप चलती है। कई बार आप नोट करेंगे, आप गाड़ी लेके निकलते हैं,
कब रेड लाइट आया, कब आप रुके, कैसे चले, अगर आप याद करने की कोशिश करते हैं पीछे आपको याद नहीं आता। ये आप क्या कहना चाह रहे हो सुनील, क्योंकि मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, आई एम श्योर व्यूअर्स को लग रहा होगा कंफ्यूजन। या आप एक लिमिटेशन बता रहे हो हमारी ब्रेन की, कि अगर हमारा ब्रेन जो रेगुलर टास्क है, रोज सब्जी बनानी है, रोज घर तक, ऑफिस से घर तक जाना है गाड़ी चलाकर, ये तमाम चीजें जो रोज की रूटीन है, रोजमर्रा की जिंदगी की है, वो तो बिना ध्यान दिए भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल, आप रोज नहाते हैं, आप शेव करते हैं, आप मेकअप करते हैं, आप बाल बनाते हैं, आप बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, कई बार आपको पता भी नहीं होता फिर भी आप कर रहे होते हैं। राइट, स्टॉक मार्केट में जो भी नए पार्टिसिपेंट होते हैं उनके साथ बिल्कुल वो गाड़ी चलाने वाला एक्सपीरियंस होता है कि वो बड़ा ध्यान रखते हैं, कॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं सब कुछ सोच के, लेकिन उस दौरान उनका ब्रेन ये जानता है कि इसको आती नहीं है, तो वो बहुत धीरे 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 चलने की कोशिश करता है। एक आदमी जो ये मान लेता है कि उसने 2-4-5 साल हो गए उसको और उसको आ गया गाड़ी चलाना या स्टॉक मार्केट में काम करना, एक ही बात है, उसको आ गया, उसके बाद वो ब्रेन जो है वो छोड़ देता है अपने आप, ब्रेन छोड़ देता है, उसने देखा स्टॉक ले लिया, बेच दिया, ऊपर गया चार्ट, नीचे गया चार्ट, कर लिया। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आता है जो दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, फोकस आपका खींचता है अपनी तरफ, वो जो दूसरा पार्ट है दिमाग का, एक्चुअली जब भी फोकस डाइवर्ट होता है मार्केट इस चीज का यूज करती है एक्चुअली आपको, आपका ध्यान भटकाने के लिए। And which ones are merely a distraction? Did you see the question? तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग ये क्लिप थी, आपने ये वीडियो देखी और आई एम श्योर इसमें बहुत सारे डिलेमास भी आपके माइंड में आएंगे, दुविधाएं भी आई होंगी, लेकिन दुविधाओं से डरिए मत क्योंकि समाधान हमारे पास है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग या इनफैक्ट हम कहें कि जो पहले कभी सुना नहीं ऐसे कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ सुनील मिंगलानी बने हुए हैं। सुनील, हमने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग से क्लिप दिखाई, आई एम श्योर इससे बहुत सारे व्यूवर्स के माइंड में शायद कईयों की दुविधाएं दूर भी होंगी, कईयों को कुछ ना कुछ यहाँ से समझने की कोशिश भी किसी ने की होगी। आखिर ये लिमिटे इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है हमारे माइंड में? नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, हमारे ब्रेन की लिमिटेशंस हैं कुछ, उसका एक दायरा है, उस दायरे के अंदर ही काम करता है वो, हमको इसको समझना होगा। एक चीज तो हम ये समझ पाए हैं कि एक रेगुलर रूटीन में अगर हम काम करेंगे तो हमारा ब्रेन एग्जैक्ट आंसर्स दे देगा आपको, बैंग ऑन डिसीजंस पर आएगा। लेकिन अगर हम किसी चीज को फोर्सफुली ध्यान देना चाहेंगे, अगर मुझे लगेगा कि एक पेन पर फोर्सफुली मुझे देखते ही रहना है, तो शायद क्या आप कह रहे हैं आसपास की चीजों पर मेरा ध्यान हट जाएगा? बिल्कुल यही बात है, दिमाग हमारा एक ही चीज पे फोकस कर सकता है, ये ब्रेन की फंक्शनैलिटी है कि वो एक ही चीज पे फोकस कर सकता है। अगर आप एक काम कर रहे हैं उसके साथ में अगर आप दूसरा काम करने की कोशिश करते हैं आपका फोकस हट जाएगा वहां। यानी अगर आसपास 4-5 चीजें पड़ी हैं मेरा ध्यान सभी चीजों पर जाएगा, लेकिन अगर मैं अपने दिमाग को लगा लूंगी कि मुझे सिर्फ इस पेन को देखना है, तो हो सकता है मेरे आसपास से कुछ चीजें पड़ी हो, गायब हो जाए, कुछ मालूम ही नहीं चलेगा। पिक पॉकेटर्स, मैजिशियंस यही काम करते हैं एक्चुअली, वो आपका फोकस डाइवर्ट करते हैं। Here's a quick inventory of what was taken. A handkerchief, a scarf, a wallet, and a mobile phone. This is how Apollo stole each item. Save your most valuable, the thing you had inside your pocket. There's something here that, you mind if I bring this out in public, do you? Yeah, I believe it's rather strange. It was a bit odd, perhaps out in public, do you? Yeah, I believe it's rather strange. So you have everything else. वो आपका ध्यान हटाते हैं वहाँ से, वो एक्चुअली वो काम करते हैं। मार्केट भी वही काम करती है, मार्केट हमेशा मैनिपुलेट करती है आपकी फोकस करने की एबिलिटी को। ओके, मार्केट हमेशा आपकी फोकस करने की एबिलिटी को मैनिपुलेट करती है। ये अब हमने समझ लिया कि ये एक ब्रेन की लिमिटेशन है। मार्केट जब भी किसी स्टॉक्स को, किसी अच्छे स्टॉक्स को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही होती है, उस समय आपका ध्यान कहीं और लगा होता है। इट मीन्स मार्केट आपका फोकस हटाती है एक जगह से। यानी एक सिनेरियो अगर हम ये देख लें, अगर सुनील ग्लोबली हमने कहा साइप्रस का कंसर्न है,
साइप्रस का कंसर्न है और हम ग्लोबली सिचुएशन पर लगा हुआ है, ध्यान लगा हुआ है हमारा पूरा मार्केट्स को ऑन अ ब्रॉडर सेंस ट्रैक करने का. और एक जगह मुझे एक एफएमसीजी का एक स्टॉक ट्रैक करना है जो मैं पिछले हफ्ते से ट्रैक कर रही हूँ कि मुझे एक लेवल चाहिए और मेरा लेवल जिस दिन आ जाएगा मैं खरीदूंगी. उस दिन आप कह रहे हो कि मेरा फोकस जो है, जो इनकॉन्शियस फोकस है, वो मेरा उस साइड तो लगा हुआ था एफएमसीजी के स्पेस पर जो मुझे स्टॉक खरीदना है, लेकिन जो दूसरा पार्ट ऑफ द ब्रेन है यानी सेंसरी कोर्टेक्स आपने कहा, वो मेरा ध्यान भटका देता है तमाम दूसरी जगहों पर कि जो मेरा मेन फोकस एरिया था वहां से ध्यान हट जाता है. बिल्कुल. मान लीजिए कोई दो हफ्ते ऐसे आ गए बीच में कि उस दौरान कोई इंटरनेशनली प्रॉब्लम हो गई, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साइप्रस, हमारा पॉलिटिकल इशू, आपका इतना शोर होगा बाहर, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये गिर गया, वो बढ़ गया, आपका ध्यान हट जाएगा उससे. तो यानी आप क्या कहना चाह रहे हो कि अगर हमारा जिस एरिया में फोकस है, क्योंकि ये बड़ा नेचुरल है, माइंड के दो पार्ट्स हैं, एक फोकस, एक मतलब अटेंशन जो है वो कभी भी डाइवर्ट कर सकता है, अटेंशन को जो कभी भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो इस सिचुएशन से बचने में अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे कहीं नहीं देखना है, मुझे कोई ग्लोबली, कोई डोमेस्टिकली कुछ नहीं देखना है, मुझे सिर्फ अपने एफएमसीजी पर ही देखना है, तो क्या ऐसी संभावना नहीं है, ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि शायद मैं एक ही जगह फोकस करने के चक्कर में दूसरी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दूं? जैसे हमने कंपेयर किया पेन से, कि अगर मैं पेन पे ही फोकस करती रहूं तो मेरे आसपास जो बाकी चीज़ें हैं शायद वो मेरे से मिस आउट हो जाए. नहीं, इसका सॉल्यूशन अपॉर्चुनिटीज आपको मिस नहीं करना है. देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बोला कि अगर आपका कोई चीज़ फोकस खींचती है, हमने स्टार्टिंग में बात किया, फ़ोन का रिंग बजा, मैं उससे बच नहीं सकता हूं. फोकस खींचेगा मेरा, दूसरी तरफ जाएगा, मैं देखूंगा भी, लेकिन वहां पर मुझे यह ध्यान रखना है कि जिस चीज पे मेरा पहले, यही फर्क है एक्चुअली. फंक्शनैलिटी जब हम समझ जाते हैं, आज आपके व्यूअर जो देखने वाले लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसमें से 99% लोग इस बात को समझ, इस बात का उनको पता भी होगा कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए इसको समझना भी जरूरी है. राइट, इट्स अ वेरी न्यू थिंग व्हिच वी आर डिस्कसिंग हियर. आपका, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ दिमाग से ही काम कर रहे हैं और तो कुछ है नहीं हमारे पास. हम दिमाग से काम कर रहे हैं. आपको अपने दिमाग को हमेशा फ्रेश रखना है, पहली बात. दूसरी बात, आपको दिमाग की फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए कि अगर मेरा फोकस हटा कहीं से भी, तो जिस चीज़ पे मैं फोकस बनाना चाहता हूँ वो फोकस दोबारा आएगा नहीं मेरा, और मेरा ब्रेन एक टाइम में एक ही काम कर सकता है, वो दो काम नहीं कर सकता. ये ब्रेन की फंक्शनैलिटी, हम इस पे आगे भी बात करेंगे काफी, लेकिन ये ब्रेन की मोटा मोटी फंक्शनैलिटी है. इस फंक्शनैलिटी को जब मैं समझ जाता हूं, तो हमारे साथ जितने चोरी करने वाले पिक पॉकेटर्स जो होते हैं, वो इसी तरह से काम करते हैं. वो आपका ध्यान हटाते हैं एक जगह से, आपका ध्यान एक जगह लगा देते हैं और बाकी चीजों से हटा देते हैं. उनका काम ही वही है, वो एक जगह से ध्यान हटाते हैं. और जितने जादूगर होते हैं, मैजिशियन होते हैं, वो करते क्या है, उनका यही काम है एक्चुअली. हमेशा हम बोलते भी हैं, सुनते भी हैं कि ये आंखों का धोखा है, हाथों की सफाई है. एक्चुअली क्या है, आपको पता होता है सामने जो हो रहा है मेरे, वो आंखों का धोखा है, वो हाथों की सफाई है, लेकिन फिर भी आप पकड़ तो नहीं पाते ना. राइट. यानी हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ ये रोज हो सकता है. आप एक, कई बार मार्केट में ऐसी बड़ी बड़ी खबरें आ जाती हैं, बड़ी खबर आई, बाजार में इतनी नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे, हमारा ध्यान पूरी तरह से उस न्यूज़ को फॉलो करने में लग गया, एंड ऑफ द डे देखते हैं कि मार्केट रिवर्स भी हो गई, जिस स्टॉक को ट्रैक कर रहे थे वो स्टॉक भी चढ़ गया और मैंने तो कुछ खरीदा ही नहीं. बिल्कुल. लेकिन आज के डेट में अगर किसी आदमी को ये बात समझनी हो, तो उसको ये लगेगा मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ है, तो मैं ऐसा स्टॉक लूं जो चल रहा है, हिंदुस्तान लीवर ले लूं, आईटीसी ले लूं, फार्मा ले लूं, आईटी ले लूं, क्योंकि वो पहले पुंजलॉयड को लेके, या एलएनटी को लेके, या बीएचएल को लेके, या इस तरह के जितने स्टॉक ले लेके थक चुका है. वो हर बार लेता है, ऊपर जाते हैं फिर गिर जाता है, फिर लेता है फिर लेते हैं फिर गिर जाते हैं. तो अब वो चाहता है कि नहीं, अब ना मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मुझे प्रॉफिट हो. बस ये मार्केट कर रही है आपके साथ. उसने फिर ध्यान हटा दिया आपका वहां से, उसने फिर हटा दिया ध्यान आपका जो असली चीज होनी है. और कई बार, और मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है. मार्केट का काम करने का तरीका है, कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा है उसको, कोई कुछ नहीं, लेकिन मार्केट का फंक्शन है ये. काम हम ये नहीं कह रहे कि साइंटिफिकली टेक्निकली कोई आपके माइंड को आकर फोकस करता है. वी जस्ट गिविंग अ सिनेरियो कि आप कंपेयर कर पाए कि इस तरह की आम जिंदगी में रोज जो हमारे साथ बातें होती है वो मार्केट में भी एप्लीकेबल होती है. इस तरह से आपका ध्यान भटक जाता है, तो ऐसे में करना क्या चाहिए? ध्यान अगर भटक गया, चलिए हम मान लेते हैं ध्यान भटक गया, इट्स वेरी नेचुरल, आप भी कह रहे हो सबके साथ होगा, कोई भी इस चीज को, इस चीज पर, इस चीज से पार नहीं पा सकता. अगर ध्यान भटक जाता है, तो क्या हमें फिर से उसी चीज पर वापस आना चाहिए? अगर बाई चांस मेरा ध्यान हटा है किसी चीज से, तो मेरा सिस्टम मुझे हटने नहीं देगा वो ध्यान. मेरा ध्यान हटने ही नहीं देगा वो सिस्टम, अगर मैंने उसको बना रखा है अपने लिए.
मान लीजिए मैं कोई एक चीज़ फॉलो करता हूँ, चार्ट फॉलो करता हूँ, मैं देख रहा हूँ एक चार्ट को, मेरे एक स्टॉक है 20, 50, 100, और मैंने एक अपना डिसिप्लिन बना रखा है कि मैंने इन्हीं के ऊपर काम करना है, मैं यही देखूंगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी मैं दो मिनट के लिए देखूंगा फिर उसको छोड़ूंगा, लेकिन मैंने इस पे देखना है, ध्यान इस पे देना है मैंने अपना। बीच में ऐसा बहुत बार होगा कि आपका ध्यान भटकेगा। यानी अगर आप एक स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू बट जस्ट टू गिव मोर क्लैरिटी, एक पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो और उस दिन आपको लगा शुगर सेक्टर में एक्सपर्ट है, शुगर डीकंट्रोल हो रहा है, तो आपका ध्यान भटक गया, बार बार शुगर स्टॉक्स को देखा, आपने कहा नहीं नहीं आज मैं पिक शुगर स्टॉक में ले लेता हूं, ऐसा करता हूं, आपका बार बार ध्यान भटक सकता है। आप उन अपॉर्चुनिटीज को तलाशने की कोशिश करते हो लेकिन उनको समझो अपने सिस्टम के हिसाब से, बिल्कुल, और फिर वापस आ जाओ। अगर मान लीजिए किसी आदमी ने एक सिस्टम बना रखा है कि 200 डे की एवरेज के ऊपर निकलेगा तो मैं बाय करूंगा, नहीं तो मैं बाय नहीं करूंगा, एक सिस्टम जस्ट बात कर रहा हूं मैं ऐसे ही। अब मान लीजिए एक स्टॉक आया सामने, कोई भी स्टॉक आया कि हाँ ये अच्छा सेक्टर चल रहा है, ये अच्छा चीज चल रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत शोर हो रहा है, चारों तरफ नॉइस हो रहा है उस सेक्टर के बारे में, और आपने चार्ट खोल के देखा और देखा 200 दिन की एवरेज के नीचे, हटाओ इसको, बस राइट। एक सिस्टम अगर मेरे पास है तो मैं भटकूंगा नहीं। वेरी बिग थिंग यही है, क्योंकि हमारी यहाँ कोशिश ये नहीं है आपको कि टेक्निकल और साइंटिफिकल टर्म्स सिखाने की ब्रेन की, हम ही आपको लिमिटेशन इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप और कनेक्ट कर सकें। ये सबसे मोटी बात है कि आपको अपने सिस्टम को मानना पड़ेगा, ध्यान भटकेगा, बहुत सारे स्टॉक्स में भटकेगा, लेकिन जो सिस्टम अप्लीकेबल इस स्टॉक के लिए करते हो बाकी सभी स्टॉक्स के लिए करो, और अगर सिस्टम अलाउ नहीं करता तो वहां से वापस आ जाओ उसी स्टॉक पर। बिल्कुल, तो जो मैंने सिस्टम बना रखा है अगर वो सिस्टम को मैं मानता हूं, रिलीजियसली फॉलो करता हूं जी, तो मैं कभी भी भटकूंगा नहीं। राइट, मौके ऐसे आएंगे, मेरा फोकस जाएगा दूसरी तरफ, बहुत चीजें होंगी, लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि क्या ये सिर्फ ध्यान भटकाया जा रहा है या कुछ और ऐसा है जिसकी तरफ मुझे अपने डिसिप्लिन को मानना है। राइट, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्या नॉइस हो रहा है, क्या शोर हो रहा है। हमारे से चार्ट के ऊपर कोई भी डिस्कशन मांगता है, स्टॉक के बारे में कोई भी पूछता है, हम उसको वही बोलते हैं हर बार। लास्ट एपिसोड में भी हमने बोला, अच्छा बुरा छोड़िए, चार्ट बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है तो नहीं लेना है, भाव को मानिए, बिल्कुल, ये डिसिप्लिन है। और यही कोशिश है इस एपिसोड में आपको समझाने की, जो फोकस है ह्यूमन ब्रेन का वो एट अ ड्रॉप ऑफ अ हार्ट, जैसे एक बहुत फेमस कहावत है कि एट अ ड्रॉप ऑफ अ हार्ट, यानी स्पर्ट ऑफ अ मोमेंट में, एक सेकंड में आपका ध्यान भटक सकता है, और यही ध्यान भटकता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का भी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ब्रेन की इन लिमिटेशंस को, इन फंक्शनैलिटीज को समझे। डिसहार्टन मत होइए, ऐसा मत सोचिए कि मेरा ब्रेन ऐसा क्यों करने लगा, डिसहार्टन नहीं होना है आपको, सिर्फ यही चीज समझनी है कि जो आपके, जहां आपका फोकस एरिया बना हुआ है, आपका सिस्टम जिस चीज को अलाउ करता है उसी तरफ ध्यान वापस लाइए। इसी के साथ सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया शो में बने रहने के लिए, इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे व्यूवर्स के सामने लाने के लिए। अगले हफ्ते में इसी कॉन्सेप्ट की एक और कड़ी आपके सामने लाएंगे, कुछ और एस्पेक्ट्स पर भी बात करेंगे। तब तक उम्मीद है हमारे व्यूवर्स इसको समझ पाएं, इसे डाइजेस्ट कर पाएं, और सबसे बड़ी बात, एक सिस्टम को फॉलो कर पाएं। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।